चलिए अब बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुजरात दौरे की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस का अच्छा माहौल है, आम आदमी पार्टी का गुजरात में कोई वजूद नहीं है। राहुल जी ने गुजरात में क्यों नहीं जाता शुरू की, मैं कहना चाहूँगा कि यात्रा का एक मार्ग तय होता है। अभी तो शुरू किया है, मार्ग तय होता है। पूरे देश भर के जो राज्य हैं, पूरे मुल्क के राज्य हैं, स्टेट्स हैं, यात्रा का बहुत महत्व होता है। इस देश के अंदर संस्कार संस्कृति भी है, जो पद यात्रा करता है उसको बहुत रेस्पेक्ट मिलता है समाज के अंदर भी। राहुल गांधी की यात्रा काय के लिए, महंगाई के लिए, जो पूरे मुल्क के अंदर महंगाई का इश्यू है। राहुल गांधी की यात्रा काय के लिए, बेरोजगारी के लिए, जो भयंकर पूरे देश को संकट की घड़ी है और चुनौती है देश के सामने। और तीसरा, देश में शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत की राजनीति हो, वायलेंस नहीं हो, वो तीनों इश्यू पब्लिक के जहन के अंदर है। वो राहुल गांधी के पद यात्रा का जो कारवा चल पड़ा है उसके अंदर वो यात्रा में तीन उद्देश्य है मेन रूप से। तो आप सोच सकते हो जब यात्रा शुरू हुई है तो मार की बात नहीं होती है, मार बात पहुंचने की बात होती है। तो राहुल गांधी जी ने जो थीम दी है पूरे मुल्क के हर राज्य के हर गांव और हर घर तक पहुंच गई है, वही काम आती है। बाकी तो कई राज्यों में जा नहीं पाएंगे वो, पर जो माहौल बना है देश के अंदर राहुल गांधी की यात्रा के बाद में, लोग समझ गए कि असली मुद्दे जो हैं पकड़ लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में, और यात्रा चल पड़ी है और उसका बड़ा इम्पैक्ट है सब जगह पर। वो इम्पैक्ट आप कल देखेंगे, आप यहाँ पर जो मीटिंग होगी तो आप देखेंगे किस प्रकार से पब्लिक रिस्पॉन्स करती है। गुजरात में 27 साल से हम लोग 70 से बाहर हैं। गुजरात के अंदर बड़े इश्यूज हैं, गौरव यात्रा निकाली इन्होंने वो फेल हो गई, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया इन्होंने। क्यों बदल दिया, ऐसा कभी हिंदुस्तान हुआ क्या? इसके मतलब है कि पूरी तरह गवर्नमेंट गवर्नेंस फेल हो गई, इसे बदलना पड़ा मजबूरी के अंदर। और तो और कोरोना के अंदर बर्बाद हो गया राज्य, कितने लोग मारे गए यहाँ पर, ड्रिप चढ़ी है कारों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर, नकली शराब से मारे गए 70 लोग, कोई जांच नहीं। मोरबी में कांड हुआ, अरे हमने मांग करी, हमने कोई आरोप ही नहीं लगाए थे किसी पर, हमने कहा वेस्टफुली कि भाई आप एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से जांच करवाओ, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा तो आगे कम से कम एक्शन होगा, आगे ऐसी कोई घटना लापरवाही की नहीं होगी। तो हमने कहा, उसको नहीं माना गया। सड़कों की स्थिति क्या है, गुजरात तो देश का भाई सबसे आज्ञावान राज्य रहा है आज़ादी के पहले से। इंडस्ट्री यहाँ पर शानदार, पर कैपिटल इनकम यहाँ पर सब कुछ था। आज सड़कें बर्बाद कर रही है गुजरात, सड़कों की स्थिति क्या आप जानते हो। बेरोजगारी भयंकर है, कॉन्ट्रैक्ट पर लगा रहे हैं लोगों को, ठेके पर लगा रहे हैं, उनकी क्या दुर्गति है। ओपी लागू हमने करी, यहाँ लागू नहीं कर रहे हैं, जबकि ये मजबूत राज्य है वित्तीय रूप से भी, मोदी का राज्य है। तो आप सोच लीजिए गौरव यात्रा फेल क्यों हुई इनकी, क्यों आज भयंकर इतना, मैं 2017 में था यहाँ पर, उससे अधिक माहौल सरकार के खिलाफ अब है, अब है। और आप देख रहे हैं कि किस रूप में आप पार्टी आई थी, इनको पूछो आप पार्टी को, तुमने जो है पंजाब जीतने के बाद में पहला टारगेट रखा था हिमाचल प्रदेश, रैलियाँ करी, रोड शो किए, यहाँ जो पेजीवादी जो आरोप जो झूठे वादे कर रहे हैं वैसे ही वादे उन्होंने हिमाचल में किए थे। उनको पूछो हिमाचल में आपने पूरा कैंपेन विटो क्यों कर लिया, आप पार्टी बन रही हो, तीसरा राज्य हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने पूरा कैंपेन विड्रॉ कर लिया वहाँ पर। मैं खुद गया वहाँ हिमाचल के, लोग आश्चर्य कर रहे हैं कारण क्या है। आज बताए केजरीवाल भाई कि हमने हिमाचल में विड्रॉ क्यों किया, पता नहीं गुजरात के अंदर उनका टेम्पो काफ़ी नीचे आ गया, कहीं यहीं विड्रॉ नहीं कर रहे गए वो, खूब फैला दिया उन्होंने, खूब उन्होंने झूठे वादे कर लिए। मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी के झूठे वादों को लोग देश समझ रहा है। तो इस प्रकार जो मोदी जी का राज्य है, अमित शाह जी का राज्य है, उसके बाद में अगर ये दुर्गति होती है कि उनको बार बार आना पड़े प्रधानमंत्री को यहाँ पर, हर वीकली आना पड़ता है। मैं ट्रैक कर रहा हूँ यूपी चुनाव जीतने के बाद में, अगले दिन से आने लग गए थे ये, हर वीकली आ रहे हैं।
प्राइम मिनिस्टर का नाम ही बहुत बड़ा होता है भाई, राज्य के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं गुजरात के, उनका नाम बड़ा है, आपको बार बार क्यों आ रहे हो यहाँ पर और आपको कन्विंस करने की जरूरत क्या पड़ती है? अब कल आपने कह दिया मैं नहीं आप चुनाव लड़ रहे हो, मतलब इतने विचलित हो गए ये लोग राहुल गांधी की यात्रा से, इतने विचलित हो गए हैं, इतने घबरा गए हैं। मोदी जी देना जानते, पिछली बार देखा आपने, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पिछली बार भी वो प्लेन उतार रहे हैं पानी के अंदर उतार रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो कहना मतलब ये भावना का खेल नहीं है, ये गुजरात के फ्यूचर का चुनाव है। ये एक मौका कांग्रेस को मिलेगा तो मैं आपको कह सकता हूँ कि कांग्रेस में दमखम है। राहुल गांधी जी ने जो घोषणा पत्र का नाम था उसका नाम उन्होंने चेंज कर जन घोषणा पत्र करा दिया, इसीलिए कि जनता ने पूछ के आप मैनिफेस्टो बनाओ। और जो मैंने परंपरा शुरू करी है 22 साल पहले राजस्थान में, चुनाव जीतने के बाद में हम मैनिफेस्टो को सेंक्टिटी रखते हैं, मैनिफेस्टो को पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हम रखते हैं उसको, और चीफ सेक्रेटरी को तमाम ब्यूरो के जो कहते हैं हम लोग, क्योंकि वादे हमने किए जनता से मैनिफेस्टो में। उसके पहले आप देखते हो जनता भूल जाती है मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है, और मैनिफेस्टो देने वाली सरकार ही भूल जाती है, पार्टी भूल जाती है। हमने उसको सेंक्टिटी बना दी उसकी, नहीं चुनाव के बाद में हम कैबिनेट में लाएँ, जो वादे लिखित में किए हुए हैं वो वादे हमारे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर सबके पास कॉपी रहती है। बीजेपी चाहती महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो और देश में शांति सद्भाव कायम रहे, प्यार मोहब्बत की राजनीति हो, सद्भावना रहे देश के अंदर, हिंसा नहीं हो, उनको कौन रोकता है? वो भी मेगा पार्टी की तरह जा सकते हैं यात्रा के अंदर, हम तो वेलकम करेंगे। यात्रा कोई कांग्रेस की यात्रा नहीं है खाली, है कांग्रेस तो नेतृत्व दे रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में, यात्रा सबके लिए है, इसलिए पूरे कंट्री के एक्टिविस्ट आ रहे हैं, एनजीओ आ रहे हैं, कोई भी आ सकता है उसके अंदर। मेधा पाटेकर की जो है अलग, उनकी एक मिशन चलता है उनका, दुनिया जानती है, उससे में क्या मतलब है? इस यात्रा में आई है तो महंगाई की बात करना आई है, बेरोजगारी की बात करना आई है, राहुल गांधी को मॉरल सपोर्ट करने आई है, उसको हम वेलकम करते हैं। कोई नहीं, मैं बताऊँ आपको, एक वो उनकी थीम अलग है, हम भी जानते हैं, हमारा रास्ता अलग है। आज बना ना मानसोर कैसे बना, कोई खाली मोदी जी बनाया क्या इसको? कांग्रेस की नींव रखी हुई थी, पंडित नेहरू भी रखी हुई थी, तब से रह के बना पूरा नर्मदा का प्रोजेक्ट बना है, टाइम बहुत लगा इसमें, कोई दुरा नहीं, महाराष्ट्र भी, मध्य प्रदेश भी, गुजरात भी इन्वॉल्व थे। आप जानते हो कितना बड़ा संघर्ष, सदन मेहता जी, मिस्टर सदन मेहता आज दुनिया में नहीं है, चेयरमैन बने थे उस जमाने के अंदर। आपके जो बीजेपी के अभी जयनारायण व्यास जी, ये अभी जो है पार्टी मैंने छोड़ दी बीजेपी, ये भी उसके अंदर शरीक थे सदन मेहता जी के साथ में। तो तमाम बातें हम लोग जानते हैं, आप निश्चिंत रहो, कांग्रेस को मौका दे पब्लिक। और जो आज हालात देश में मीडिया वाले हैं, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेल में जा रहे हैं, आप ऐसे मुद्दे कैसे कर रहे हो, आलोचना कैसे कर रहे हो? अरे भाई, लोकतंत्र का तो ये ऑर्नामेंट है, डेमोक्रेसी के अंदर आलोचना नहीं करेंगे कौन क्या काम करेंगे? वो लोकतंत्र में पक्ष है तो विपक्ष भी है, पर ये उनको सहन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका विश्वास नहीं लोकतंत्र के अंदर, कभी रही नहीं है घोषणा करने की। और जिसने घोषणा करी है आप पार्टी ने, वो फिर रहे पूरे ढूंढते हुए फिर रहे मैं कहाँ से इलेक्शन लड़ूँ। आप पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार फिर रहा है कि मैं कहाँ से इलेक्शन लड़ूँ, उसको सीट नहीं मिल रही है, और हमारी पार्टी में कभी परंपरा रही नहीं है ये बात। प्रियंका जी वगैरह कोई देखिए, अभी तो राहुल जी आ रहे, कल जैसे मालूम पड़ता जाएगा प्रोग्राम बनेगा, हम आपको ऐसा माहौल ऐसा हुआ है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पूरे गुजरात में घूम रहे हैं और हमारे भी चुनाव के प्रचार से बाहर है, हमारे ऐसा सुना है नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कांग्रेस अपने तरीके से लड़ रही है, कांग्रेस टिकट भी जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं उसका प्रदेशवासी वेलकम कर रहे हैं, उसको भी आप समझ रहिएगा। बीजेपी की टिकट में 32 लोग क्यों रिवेल बन गए वहाँ पर? ये पब्लिक का मूड रिफ्लेक्ट करता है, पब्लिक का मूड रिफ्लेक्ट करता है ये कि 32 जगह पर रिवेल खड़ा होना पब्लिक का मूड है, इसलिए वो खड़े हो गए उनके लोग। स्थिति
स्थिति ऐसी दिख रही है कि चुनाव प्रचार में कांग्रेस पीछे रह गई है और बीजेपी और दूसरे पार्टी है आगे। कितने लोग आ रहे हैं उनकी मीटिंग्स में, कितने लोग आ रहे हैं? वो सर वो तो आप 50 आदमी आ रहे हैं, 25 आदमी। लेकिन अभी जो सीनारियो हुआ है और कांग्रेस काम कर रही है जैसे भाई, तो मोदी जी के बारे में बात सुनिए, मोदी जी के बारे आई भी उनके बारे में है, तो हो सकता है कि आईबी की रिपोर्ट उनको मिली होगी, हम तो अपने काम कर ही रहे हैं, उनके मुंह से निकल गया होगा गलती से, इसीलिए वो भी आएंगे। 2017 में आप प्रभारी थे और करीब करीब सूरत ने दगा दे दिया था, कांग्रेस की सरकार बन जाती है, इस बार भी राजस्थान को मिलता है रघु जी और आप, ऐसा हो सकता है क्या? 2017 में मैंने क्या कहा, वो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी, 125 का टारगेट रखा हमारे अध्यक्ष जी ने और उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं रोज के।